एडियाबैटिक क्या है? क्या आपने कभी इसकी चर्चा सुनी है कि एडियाबैटिक किसे कहा जाता है? इसे दूसरे शब्दों में कहें तो रुद्धोष्म भी कहा जाता है। किसी तंत्र में बिना आंतरिक ऊष्मा के प्रवेश अथवा बिना ऊष्मा के त्याग होने वाले प्राकृतिक परिवर्तन के संबंध यह तब घटित होता है जब वायुमंडल में कोई वायु राशि ऊपर उठती है अथवा नीचे उतरती है। ऊपर उठती हुई वायु फैलती है और उसके संघटक अणु बिखरते हैं तथा वह ठंडी हो जाती है। इसके विपरीत नीचे उतरने वाली वायु संकुचित होती है, उसके अणु संपिंडित होते हैं और यह गर्म होती जाती है, किंतु वायु के ऊपर उठने अथवा नीचे उतरने की प्रक्रिया में ऊष्मा की शुद्ध प्राप्ति अथवा ह्रास में परिवर्तन नहीं होता है, जिस प्रक्रिया को हम एडियाबैटिक कहते हैं या रुद्धोष्म कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह छोटी और रोचक जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। फिर मिलते हैं इसी तरह की एक नई जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।